नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। तो ये साढ़े को पास है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, इट कैन ट्रैवल अप एंड डाउन एंड राइट एंड लैफ्ट। ठीक है जी, ये इतने वर्नियर स्केल भी हैगी, लीनियर स्केल है, इतने भी लीनियर स्केल प्लस वर्नियर स्केल, ये चलो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह है। तो एंड दैन अपने को है जी प्लेटफॉर्म, ये फ्लैट बॉटम फ्ला है जी डिश, दैन स्टैंड हैंगर वगैरह, दीज आर थ्री कैपिली ट्यूब्स। ठीक है जी, ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। तो ये की है जी, आप कैपिली राइज दिखनी है, वो चल आप वाटर ले लिया सिंपल लिक्विड। ठीक है जी, हूँ ये कैपिली राइज देखने वास्ते एक तो आप माइक्रोस्कोप का जो क्रॉस वायर है इतने आ टिप से सैट करना है, इस करके वो टिप बिल्कुल वाटर टच कर रही है। ठीक है जी, इतने टच यदा क्रॉस वायर उतने लगे आने जिसे टच कर रहा है स्क्रू वाटर में, वो रीडिंग होगी जी। दैन आप ट्रैवल करके इधर लेना माइक्रोस्कोप से, मान लो आप फस्ट कैपिली ट्यूब से लेके जा रहे हैं, फिर ये आप कैपिली राइज देखना है कि तक वो कैपिली राइज के उत्ते आप क्रॉस वायर जरा सैट कर देना, मीनस जो डिस्कस है कैपिली जरा राइज हो गया वाटर राइज कर गया वो एंड कैपिली जरा सॉरी मनिस्कस होएगा मनिस्कस उत्ते क्रॉस वायर सैट करना है। ठीक है जी, वो हूँ एक स्क्रू का लैवल तो कैपिली राइज का लैवल, ये डिफरेंस जरा दैट विल बी कैपिली राइज एच हो गया जी। ठीक है जी, दैन डायमीटर वास्ते आप खोल लें थोड़ा ठीक रहेगा, ये हाँ सर ये कर लो, बस ये कर लो, बस हाँ बस ये कर लो। ठीक है, ये देखो जी कैपिली ट्यूब में आप इदा रख लिया, कागज नीचे रख लीजिए रोटेटर इधर ना कर लिया, दैन आप डायमीटर पर फिक्स करना है। जे तो आप थोड़ा मूव करना है तो इतों मूव करना है जी। ठीक है जी, ज़्यादा रीडिंग लेनी है, अगर ज़्यादा हूँ ज़्यादा मूव करने की लड़ा तो अपने को तो इन स्क्रू है इन थोड़ा रिलीज करके अपना यदि हाइट पर लगे। ठीक है जी, ठीक है जी, हाइट पर ले जाके रफली हाइट पर ले जाके फिर आप हूँ फिर यदा आप जो बोर है कैपिली ट्यूब का बोर काफ़ी नैरो है, यद आप इमेज देखना है सर्कल दिखाई देगा, दैन फिर यदा क्रॉस भी जो शार्प हो गया इमेज बोर का तो यदा जो क्रॉस वायर है वह आप टच करा देना, एक टेंजेंट बना देना, टेंजेंट टच एट वन सरफेस, वो आप रीडिंग इतों ले लेनी है जी। ठीक है, दैन आप अपोजिट साइड जी उन्होंने टच कर देना क्रॉस वायर में, मेन क्रॉस वायर का ही ध्यान रखना आप। ठीक है जी, तो उपर वाला क्रॉस वायर की रीडिंग अलग, सॉरी उपर जो टच कराने क्रॉस वायर की रीडिंग अलग, नीचे टच कराने हैं तो वो रीडिंग अलग, दोनों जो डिफरेंस है दैट विल बी डायमीटर ऑफ कैपिलरी बोर कैपिलरी ट्यूब। ठीक है जी, ये रॉड तो काफ़ी मोटी है ना, बोर काफ़ी विच नैरो है तो वह जो हाफ होगा दैट विल बी रेडियस। ठीक है जी, दैन अपने को फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ वा, ये आप रेडियस वैल पुट करके, दैन अपने को कैपिली राइज वैल पुट करके, दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वाटर वाटर है तो यदि वो वैल्यू पुट करके अपने को आ जाएगा जी सरफेस टेंशन, तो इन्ना काम है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।